वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 42वां अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14। पहले हम लोग 14 को रिसाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 13-14 फिर। तत् दर्शनात् स्मरा क्षोभात् आत्मानं न अविदन् स्त्रियः विस्रस्तत् वासः कवरत् वलयाः लेख्य मूर्तयः। तद्दर्शन स्मर क्षोभा आत्मानं नाविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासः कवरत् वलया लेख्य मूर्तयः। तद्दर्शन स्मर क्षोभात् आत्मानं नाविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासः कवरत् वलया लेख्य मूर्तयः। आप लोग कहिए। विस्रस्तवास स्मरक्षोभा वलयालेख्य मूर्तयः। माताएं तद्दर्शन स्मर क्षोभा शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत् उसको दर्शन देखने से स्मर कामदेव के प्रभाव से क्षोभाद
उद्वेलित होने से आत्मानं स्वयं को न अविदन नहीं पहचान पाई स्त्रियः स्त्रियां विस्रस्त ढीले हुए वासः वस्त्र कवरक चोटियां वलयाः तथा उनकी चूड़ियां लेख्य मानो चित्रित मूर्तयः आकृतियां। कृष्ण के दर्शन से नगर के नारियों के हृदय में कामदेव जाग उठा। इस प्रकार क्षुब्ध होकर वे अपनी सूदबुद खो दी। उनके परिधान लट तथा उनके कंगन ढीले पड़ जाते और वे चित्र में बनी आकृति से स्तब्ध खड़ी रह गई। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि चूंकि कृष्ण को देखते ही मथुरा की स्त्रियों में माधुरी आकर्षण के लक्षण प्रकट हो आए थे, क्योंकि वे नगर में सर्वोच्च भक्त थीं। कामदेव के 10 लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। चक्षुरागः प्रथमं चित्तासंगस्ततो अथ संकल्पः निद्राच्छेदस् तनुता विषयनिवृत्तिस् त्रपानाशः उन्मादो मूर्छा मृतिर् इत्येताः स्मरदशा दशैव स्युः। सर्वप्रथम आँखों के माध्यम से व्यक्त आकर्षण, तब मन में गहन आसक्ति, फिर संकल्प, फिर निद्रा का रास, फिर दुर्बल होना, फिर बाह्य वस्तुओं में अरुचि, फिर निर्लज्जता, फिर उन्माद, फिर मूर्छा तथा मृत्यु। ये कामदेव के प्रभाव की 10 दशाएं हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी इंगित करते हैं कि जिन भक्तों में शुद्ध भगवत प्रेम होता है उनमें सामान्यतया मृत्यु लक्षण प्रकट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के संबंध में यह अशुभ है, किंतु उनमें अन्य नव लक्षण प्रकट होते हैं जिनकी परिणति परम आनंदमय मूर्छा में होती है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्चन श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनस्महितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं, तत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरोः दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमो महावदन्याय कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज सुबह के भागवत कक्षा में। तो वे भगवान अभी मथुरा में पहुंचे हैं, तो आचार्यगण कहते हैं कि जब हम लोग भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो अगर हम लोग अपना चित्त मन भगवान में अभिनिवेश कर ले तो हम भी एक दृष्टि से उन लीलाओं में शामिल होते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस दी दो भक्तों के बीच में जो और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, वो मौका हमें इन लीलाओं का श्रवण करने से प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए दशम स्कंद में पहुंचने से पहले नौ स्कंद पढ़ लेने चाहिए, ताकि व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति करने के बाद फिर दशम स्कंद में आराम से प्रवेश कर सके। तो पिछले श्लोक में जो 13वां श्लोक है उसमें ऐसा आता है कि विसृज्य माध्यवान्य ताम व्रजन मार्गे वनिक पथै नानोपायन तांबुल स्रग गंधै स्राग जोर्चित स अग्रज अर्चित। तो इसके पहले हमने देखा कि कैसे भगवान ने जो कुब्जा थी, कुबड़ी थी, तो उसके छोटी सी सेवा के बदले उसको इतना सुंदर स्वरूप दिया। भगवान ने उसको स्पर्श किया, भगवान ने उसके ऊपर पैर भी रखा और उसको स्पर्श करके तो अभी आज के श्लोक में हम देखेंगे कि जो स्त्रियां ऊपर से देख रही थी दूसरी स्त्रियां भगवान को, उनकी हालत भगवान को देखने मात्र से ऐसी हो रही थी कि उनके शरीर वो स्तब्ध हो गई हैं, चित्र जैसे स्थित हैं। तो आप इमेजिन करना मुश्किल है, फिर भी थोड़ा सोचिए कि वो कुब्जा की क्या हालत हुई होगी। भगवान ने उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और भगवान ने उसके पैरों पे पैर रखा, भगवान ने उसको बहुत प्रेम से हाथ लगाया, स्पर्श हुआ, आंखें मिली, बातें हुई, तो कितना ज़्यादा उसको हाथ से अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स भगवान के प्रति उत्पन्न हुई होंगी।
तो वो भगवान को अपनी डिजायर जाहिर कर रहे थे, भगवान का जो वस्त्र था उसको थोड़ा सा खींच के। तो भगवान अंत में कहते हैं कि यहाँ बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि विसृज माध्यवान्य, भगवान बहुत सुंदर मधुर वाणी से उसको विदा करते हैं, दूसरे मतलब विदा करते हैं। तो कैसे मधुर वाणी, तो आचार्य बताते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ, फिर से मिलेंगे, हाँ मैं फिर वापस कुछ काम करके आता हूँ, और तुम्हारी जो मेरे प्रति एक निष्ठा है ये मैं समझ गया, हाँ और मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इस प्रकार से थोड़े हास्यास्पद बातें दूसरों के लिए लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो बहुत सीरियस थी कि आई एम हियर फॉर ओनली फॉर यू, सो तुम घबराओ मत, तुम जाओ, बाद में मैं आराम से आऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से मधुर वचन से उन्होंने क्या किया, कुब्जा को विदा किया कि यू विल गो, ठीक है। और फिर भगवान चलते चलते कहाँ पहुंचे, ताम ब्रजन फिर विसृज्य ताम माध्यवान्य, बहुत मधुर वाणी से उसको विदा किया भगवान। और ब्रजन मार्गे वनिक पते, फिर चलते चलते वनिक पथ पे चले गए भगवान। वनिक पथ मतलब बाजार में आए भगवान, मतलब मार्केट प्लेस में आए। वनिक मतलब कौन थे, जो मर्चेंट्स होते हैं, तो उनके रास्ते में भगवान आए। और तो जैसे ही भगवान अपने ग्रुप के साथ चल रहे थे, बलराम थे पीछे, उनके ग्वाल बाल आदि, तो जो वनिक लोग हैं तो उन्होंने क्या किया, नानो पायन, अलग अलग प्रकार के नाना उपायन उपायों से, सादर भेंटों से भगवान का स्वागत किया, भगवान का वेलकम को वेलकम किया। तो किस प्रकार के बोल रहे हैं, तो अलग अलग, तो अलग अलग जिनके जिनके ऐसे ऐसे दुकान होंगे, जिनसे जैसे उनके पास अभी वस्तुएं उपलब्ध होंगी, तो उन उन वस्तुओं से भगवान का उन्होंने एक दृष्टि से अर्चना की। जैसे हम लोग डिटीज की सेवा भी करते हैं, तो 16 उपचारों से हम लोग उनकी अर्चना करते हैं। कई आगे जगह शास्त्रों में और भी ज़्यादा उपचार होते हैं, लेकिन कम से कम 16 करीब छोटे उपचार। तो उदाहरण के लिए जैसे जो कुछ वनिकों ने भगवान और यहाँ पे बोल रहे हैं कि स अग्रजो अर्चित, बलराम जी के साथ में, तो बलराम जी को बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, बलराम जी प्रमुख हैं, तो उनके साथ में बाकी लोगों को भी, बाकी जो उनके ग्वाल बाल आदि हैं उन सबको उसी प्रकार से अर्चना की। कुछ लोगों ने वस्त्र आदि दिए, कुछ लोगों ने फिर भूषण, कुछ गारलैंड्स, भूषण मतलब मोतियों के हार, स्वर्ण के हार, कुछ लोगों ने अलग अलग सुगंधित पेय पीने के लिए भगवान को लाके दिए, भगवान को पीने के लिए दिया। और फिर और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे कई प्रकार के भगवान को उन्होंने उपहार दिए, उनमें कुछ स्पेशल हैं और ये देने चाहिए, तो उनमें वो कुछ नाम ले रहे हैं, जैसे तांबुल, पान खाना, तांबुल सुगंधित पान, और सरग मतलब मालाएं, भगवान को माला देना, माला वाला भगवान को बहुत अच्छा लगता है।
माला, मोतियों की माला, फूलों की माला आदि, और गंधई, गंधई मतलब अलग अलग प्रकार के अगरू आदि का लेप बना के, और भगवान को चंदन और विचित्र विचित्र वर्णों के, अलग अलग वर्णों के, अलग अलग कलर के, अलग अलग जो लेपन है या फिर जो गंध है सुगंधित, तो उनके माध्यम से भगवान की क्या को उन्होंने अर्चना की। सर अग्रजो अर्चित, ठीक है, बलराम जी के साथ में उन्होंने उनकी सेवा की। तो पहले जब वो यमुना जी के तट पे रुके थे, यमुना जी के तट पे रुके, फिर शाम को वो निकले थे बलराम जी के साथ, उनको इच्छा हुई कि चलो थोड़ा मथुरा घूम के आते हैं। तो मथुरा निकले वो अपने मित्रों के साथ, तो सबसे पहले उनको कौन मिले थे, ब्राह्मण मिले थे, ब्राह्मणों के द्वारा उनका पूजा हुई, गुणगान हुआ। फिर रास्ते में जय श्री श्री राधा मदन गोपाल, सॉरी श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय, सर्व शालिग्राम शिला की जय, शिल प्रभुपा की। तो पहले ब्राह्मण मिले, ब्राह्मणों के द्वारा अलग अलग मंत्रों के माध्यम से और अलग विविध विविध प्रकार से उपचार हुए उनके। फिर उसके बाद में वो आए, उनको रास्ते में फिर कुब्जा आदि जो कंस के दासियां हैं उनसे मिली, और फिर कुछ रास्ते में जो वैश्य हैं उनकी स्त्रियों का, स्त्रियों ने भी उनका दर्शन किया। फिर वो वणिक पथ पे आए, जो वैश्यों का जो पथ है, मर्चेंट्स जहाँ रहते हैं, मार्केट प्लेस में आए। और यहाँ पे मार्केट प्लेस में वैश्य भी होंगे और कुछ वैश्यों के नीचे काम करने वाले लोग भी होंगे, वो भी वहाँ पे भगवान को भगवान का दर्शन लिया उन्होंने और उनका स्वागत किया। तो यहाँ पे वणिक पथ है, मैं बोल रहे हैं कि मार्केट प्लेस में हर प्रकार के लोग होते हैं। तो जिन लोगों ने भगवान की अर्चना की या फिर भगवान को जाके उन्होंने दिया, तो वो लोग कौन थे, वो स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त थे। उन्होंने जैसे ही भगवान चांस देखा कि अभी क्या मिल रहा है मुझे, भगवान आए हैं और भगवान का सेवा करने का मौका मिला है, तो उन्होंने वो सेवा छोड़ा नहीं, उन्होंने तुरंत सेवा को ले लिया और भगवान की अलग अलग प्रकार से जैसे भी हो सकता है उन्होंने सेवा की। क्षत्रियों का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है, क्षत्रिय जो पुर है, जो मथुरा है, उसके अंदरूनी भाग में वास करते हैं, रूलर्स, क्षत्रिय तो अंदर रहते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने कुब्जा को बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से विदा किया, और उसके बाद में वणिक पथ पे जब चलते चलते भगवान का अलग अलग प्रकार से लोगों ने अर्चना की, बलराम और बाकी ग्वाल वालों के साथ। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि पिछले तद पहले भी आया था ये, और अभी भी आ रहा है कि अलग अलग स्त्रियों का वर्णन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तद दर्शन स्मरक शोभाद आत्मानं नाविदन स्त्रियः विस्रस्तवासः कवर वलया लेख्य मूर्तय। वे भगवान जब चल रहे थे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली स्त्रियों की परिस्थिति बताई जा रही जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। क्यों स्पेसिफिकली स्त्रियों का बताया जा रहा है, क्योंकि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से कोमल हृदय की होती हैं, तो उनका भाव ज़्यादा तीव्रता से बाहर भगवान के प्रति निकलता है। तो और यहाँ पे
भगवान का जो रूप माधुरी है उसका भी थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जो भगवान का सुंदर स्वरूप जो मथुरा के पथ के ऊपर जाते हुए देख रहे हैं तो वो भी अनुभव कर रहे हैं और वो उन भक्तों का भी भावों को अनुभव कर रहे हैं जो भक्त भगवान को इस रूप में देख रहे हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तद दर्शन, उनके दर्शन मात्र से जब उनका दृष्टि वो स्त्रियों की तरफ जाती है तो उनके साथ क्या हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तद दर्शन स्मर शोभा, तो उनके दर्शन से क्या हुआ उनके हृदय में काम प्रकट हो गया, भगवान के प्रति जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होगी वो तीव्र। यहां पे ट्रांसलेशन में तो कामदेव के प्रभाव से लिख रहे हैं लेकिन उसका जो वर्ड यूज किया सुखदेव गोस्वामी ने क्या कह रहे हैं स्मर। स्मर मतलब जो स्मरण मात्र से जिसका जन्म हो जाता, इसका मतलब हम लोग जब उसके रिलेटेड चीजों का स्मरण करेंगे तो उसी से हृदय में उसका उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कोई पुरुष है स्त्री के बारे में थोड़ा गलत विचार से स्मरण करे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा काम उत्पन्न हो जाएगा, चाहे देखे ना देखे जस्ट विचार करने मात्र से। इसलिए नाम क्या है स्मरण मतलब विचार करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से ही हृदय में क्या हो जाएगा उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए उसको कह रहे हैं स्मरण स्मरक। और जो भगवान है वो साक्षात इस ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड, वो आध्यात्मिक कामदेव है। और भगवान की जो माधुरी है उसका वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी यहाँ तक कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ गोविंदम आदि पुरुषम तमम से। तो जो जगत का एक कामदेव है उसके प्रभाव से व्यक्ति पागल हो जाता है। हाँ यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है सारा कामदेव का क्या क्या प्रभाव होता है, सारी चीजें भूल जाता है, अपने माता पिता के साथ में जो रहा है उसको छोड़ देता है। हाँ बताए नहीं इसके साथ भागने की कोशिश करता है और अपना जीवन तक लेने के लिए प्रेरित हो जाता है। हाँ उस कामदेव का छोटा सा एक प्रभाव से। और यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड हैं और उनका ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं कि नॉर्मल जो इस जगत का भौतिक क्यूपिड है भौतिक कामदेव है उसका कितना प्रभाव हो सकता है। तो ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं कोटि कमनीय, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, मतलब कोटि कंदर्पों को भी एक साथ मिला तो भी जो ये प्रकाशित करते हैं भगवान आकर्षण और जो चित्त में मोह पैदा करते हैं वो कंपेरेबल नहीं। तो वो वैसे साक्षात भगवान, वैसे ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक कामदेव भगवान मथुरा के पथ पे चल रहे हैं। तो और पूर्णतया प्रकाशित कर रहे हैं अपना वैभव क्योंकि उनके भक्त जो भी देख रहे हैं उनको वो उनके बारे में काफी बार सुन चुके हैं और उनके हृदय में बहुत उत्कंठा से वो भगवान की को दर्शन करने का उनको भाव रहा है। तो उनको भगवान ये अपना दर्शन देते हुए जा रहे हैं।
तो उन स्त्रियों की क्या हालत हुई होगी, स्पेशली क्योंकि स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं, दे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल देयर इमोशंस। तो और वो ज्वालामुखी सा फूट गया है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो दे कांट। तो इसलिए यहाँ पे एक सुंदर उपमा देके सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उनका हालत ऐसी हो गई जैसे वो लेख्य मूर्त है, जैसे हो गई लेख्य मूर्त है, मतलब लेख्य मतलब लेखन करके जो मूर्तियां बनाई जाती है, चित्र बना दिया उसको, या फिर जो कार्व कर दिया उसको, चित्र बना के जैसे स्तब्ध हो गई थी, मतलब इतना ज्यादा था कि वो सहन कर पाना मुश्किल, तो दे वर जस्ट स्टंड। तो तद दर्शन स्मरक शोभात, शोभात मतलब जो मोह उनके हृदय में उत्पन्न हो गया था, और तो धैर्य और धैर्य नाश हो गया, मतलब तद दर्शन क्षोभ, क्षोभात का मतलब कि उनके जो पेशेंस है वो खत्म हो गया उनका, और वो मोह वो पूरी तरह एक मोह में पड़ गई, और उस मोह से क्या हो गया कि भगवान के दर्शन मात्र से देवर कंप्लीटली बिविल्डर्ड, मोह मतलब बिविल्डर हो गए, और वो खुद को भूल गए, सॉरी वो शरीर को भूल गए पहले तो, और शरीर को धारण करने वाला जो आत्मा है उसको भी भूल गए, देह मतलब मैं कौन हूं, मैं और मेरा जो शरीर को, इसलिए बोल रहे हैं कि शरीर से के बाद में ही बाकी चीजें शुरू होती हैं, तो शरीर को तो भूल ही गए, साथ में मैं और मेरा इसके रिलेटेड बाकी सारी चीजों का विस्मृत हो गया कंप्लीटली, और वो भूल गए उसको, और फिर अपने आप को भी भूल गए, भगवान के दर्शन का ऐसा प्रभाव हो गया उनके ऊपर कि आत्मानम नाविदन स्त्रीय, तो खुद को भी वो भूल गए अपने आप को, यहां बोल रहे हैं कि नहीं पहचान पाई स्त्री। अरे कौन बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, तो सुखदेव गोस्वामी उनके भावों को समझ पाए, उनको बता रहे हैं खुद को भी ना विदन मतलब वो पहचान नहीं पाई स्त्री है, और विसृष्ट वास कवर है, और जो वास है मतलब जो कपड़े हैं, विसृष्ट मतलब ढीले हो गए, और कवर है वलया है चोटियां तथा उनकी चूड़ियां, लेख्य मानो चित्रित मूर्ति, मतलब क्योंकि जो भावों के लक्षण के वजह से शरीर में बहुत तीव्रता से कंपन हो रहा था उनके, और उस कारण से क्या हो रहा था कि जो शरीर के कपड़े उपड़े हैं वो ढीले पड़ गए, और जो भगवान का जो भाव है, जो भगवान जाके मिलने के भाव का जैसे उन भाव की वजह से अचानक शरीर थोड़ा सिकुड़ेगा, मतलब उसके वजह से जो शरीर के जो वस्त्र हैं वो ढीले पड़ गए, और जो बालों को जो जिन चीजों से बांध देते हैं वो भी ढीले हो गए, और फिर वो बाल भी खुल गए और वस्त्र भी ढीले हो गए, और उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे पागल लोग होते हैं, तो देवर क्रेजी मतलब वो पागल के जैसा हो गए, देखो पूरे पागलों के लक्षण है, भौतिक रूप से जो व्यक्ति
अपने आप को भूल जाता है, अपने लोगों को भूल जाता है, अपने आसपास के, उनको पागल कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मैडनेस है। वो अपने आप को भूल गई, अपने 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 जो सगे संबंधी उनको भूल गई, और लाज जलज, क्योंकि सारा चीज़ें जो भी हैं आसपास, दे डिडंट केयर, जो बस भगवान को देख रही, सूद बुद्ध खो दिया था उन्होंने। ठीक है, तो और फिर वो स्तब्ध थी, और ऊपर से क्या है कि स्तब्ध तो हो गई, आंखें भी उनकी झपक नहीं रही थी, दे और जस्ट भगवान को देखा उन्होंने, उनको लगा क्या हो गया, मतलब कृष्णा जस्ट एंटर्ड थ्रू देयर आईज, और स्तब्ध थी वो। तो जो स्तब्ध थी, तो क्योंकि सूद बोध खुद के शरीर और खुद का जो शरीर ही है, आत्मा है, उसको अब सूद बोध तो है ही नहीं, तो फिर आंखें बंद भी नहीं हो रही हैं, लेकिन उनको पेन भी नहीं हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आंखें काफी देर तक बंद नहीं कर, आंखों से आंसू आदि होता है, और दे आर नॉट फीलिंग एनी पेन ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है। तो कृष्ण के दर्शन का ये अद्भुत प्रभाव है। ठीक है, तो हम भी अगर अपने आप को भक्ति करते हुए साधन पथ पे स्टेज पे पहुंचेंगे, तो डीटीस का दर्शन लेने मात्र से हमारे साथ भी यही हो सकता है। वी शुड बी ऑलवेज हैंकरिंग फॉर दैट। कभी हबे बोलो से दिना अमार अपराध गुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हबे। तो इंग्लिश में ना जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी में मुझे लग रहा था थोड़ा सा ना चेंज आ रहा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सिंस द वुमन ऑफ मथुरा इमीडिएटली एक्सपीरियंस्ड सिम्टम्स ऑफ कॉन्जुगल अट्रैक्शन। क्या कह रहे हैं? इमीडिएटली एक्सपीरियंस्ड सिम्टम्स ऑफ कॉन्जुगल अट्रैक्शन। उन्होंने तुरंत, उनके हृदय में क्या हुआ, जो भगवान के प्रति जो माधुर्य भाव का जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उन्होंने तुरंत जाहिर हो गए, उनके शरीर में जाहिर हो गए। उनके शरीर में उनके जो जाहिर हो गए, समझ ज्यादा डिटेल में, तो दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट व्हेन दे सॉ कृष्ण। दे वर द मोस्ट एडवांस्ड डिवोटीज इन दिस सिटी। वो मथुरा में सर्वोत्कृष्ट भक्त थे, सर्वोच्च भक्त थी। ठीक, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से अनुभव किया, भगवान को जैसे ही देखा उनके हृदय में वो भगवान के प्रति भाव जागृत हो गए। तो ये भाव जो है, दीज आर ये जो भक्त लोग हैं बहुत उच्च स्तर पे हैं, रुचि आसक्ति भाव प्रेम और उसके आगे के जो स्तर हैं, उन लोगों में ये निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। और इनको कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि फेक कर रहे हैं या फिर कुछ, देखो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं भी अभी भाव के स्तर पे हूँ, मेरे भी आंसू निकल। तो हम अगर ऐसे भाव भगवान के साथ अनुभव करना चाहते हैं, ये हम लोग जस्ट चाहना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चाह जस्ट बोलेंगे अभी मैं भगवान से, अभी मैंने चीजें सुनी है तो मुझे भी भगवान से भी वैसे ही भाव रहने, तो ये थोड़ा सा शास्त्र आचार्यों के द्वारा निंदित है। वो कहते हैं, आचार्य बताते हैं हमें कि ये भाव, जैसे हम लोग
अपने साधुओं का संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, और भजन क्रिया किसी प्रामाणिक भक्त के निर्देशन में और उनके दिए हुए निर्देशों के अनुसार भगवान को प्राप्त करने के भाव से जब करेंगे, और जब हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थों से हम लोग जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता के अनुसार जो भी हैं, जो हमारे अनर्थ हैं, उनसे हम लोग निवृत्त होते होते निष्ठा और रुचि आदि भावों पे, जो स्तरों पे हम लोग जब अग्रसर होंगे, सालों साल जब साधना करते करते नियमित रूप से, तो इन भावों को का कुछ ग्लिम्स हम भी, हमारे अंदर भी स्वाभाविक रूप से अनुभव होगा। नहीं तो फिर अगर हम लोग पहले ही इन चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करें अधिकार के बिना, तो फिर और अनर्थ साथ में है ही, तो हो सकता है कि मुझे कृष्ण अच्छे लगे, कृष्ण के साथ मुझे वैसा भाव चाहिए, लेकिन ऐसा भाव आए कि बाकी जो गोपियां कृष्ण के साथ में क्यों, मैं ही। काम में क्या होता है, ईर्ष्या आदि चीजें भी यहाँ पे कार्यान्वित हो सकती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्यता। तो भक्ति का पथ में शास्त्र सम्मत और भक्तों के द्वारा दिए हुए पथ पे धीरे धीरे चलते हुए हमें इन चीजों को प्राप्त करना चाहिए, और जब हम लोग उस स्तर पे पहुंचेंगे, तो जैसे ही हम लोग नाम लेंगे, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, जैसे ही हम लोग भगवान का दिव्य नामों का हमारे जीवा से और जीवा के माध्यम से, जब कर्णों के माध्यम से हमारे आत्मा और चित्त आत्मा का स्पर्श होगा, जैसे इन जो स्त्रियां हैं इनका दर्शन मात्र से हो गया, तो वो भाव तुरंत जागृत हो जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं श्री विष्णु ठाकुर खाते हैं कि उनके अंदर आए थे क्योंकि वे नगर में सर्वोच्च भक्त थी, द हाईएस्ट स्तर पे थी। और फिर कामदेव के 10 लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं, तो ये भी थोड़ा हमें बचने के लिए अच्छा है जानना, बहुत अच्छा है। चक्षुर राग है, ठीक है, सर्वप्रथम आंखों के माध्यम से व्यक्त आकर्षण, चक्षुर राग, जब किसी के अंदर किसी के प्रति आकर्षण होता है, तो सबसे पहले कहां से प्रकट होता है, कहां से दिखता है, आंखों के माध्यम से। तो आंखों में एक अलग से एक चमक होगी जिसके प्रति आकर्षण होगा उसके लिए एक अलग सी चमक होगी। भक्तों का क्या होगा, भक्तों का भगवान के प्रति आकर्षण होगा, तो भगवान जैसे ही दिखेंगे उसके लिए उसके आंखों में एक अलग सी चमक होगी, ओ है ना। तो चक्षु राग प्रथमम चित्ता संगस ततो अथ, फिर कह रहे हैं तब मन में गहन आसक्ति, तो मन में एक डीप आसक्ति होती, आसक्ति पैदा हो जाती, ठीक है। और इसके बाद चित्ता संगस ततो अथ संकल्प, फिर संकल्प पैदा होता है कि मुझे वो चाहिए, कुछ भी हो चाहिए हो। फिर निद्रा का ह्रास होता है, रातों की नींद दिन का चैन खो जाता है, और फिर दुर्बल होने लगता है व्यक्ति, सूद बूद छोड़ देता है, और फिर अपना शरीर का ध्यान नहीं रखता है, दिन भर उसी का चिंतन रहता है, और फिर निद्रा छेद है ना, छेदस, ये काम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, अगर काम पहले आंखों में प्रकट होगा, फिर चित्त में आसक्त गहन आसक्ति होगी, ये संकल्प आएगा चाहिए ये, फिर निद्रा छेद है ना, फिर निद्रा को आपके उड़ा देगा
फिर छेदस तनुता विषय निवृत्त निवृत्ति, फिर शरीर के जो विषय हैं उनके प्रति उसको आसक्ति छूट जाएगी, उसकी बाह्य वस्तुओं में अरुचि, कुछ अच्छा नहीं लगेगा इस जगत में उसको। फिर जनरली लोग सोचते हैं ऐसे, मतलब आजकल जो करते हैं ना कि ये नेक्स्ट में आएगा कि इसके बाद में व्यक्ति क्या क्या होता है, जब काम की वजह से तृपा नाश निर्लज हो जाता है व्यक्ति, ये दिखता है आजकल नेचुरली लोगों में बाहर जगत में, ये इस स्तर तक पहुंच चुके हैं वो लोग अगर और वो निर्लज हो जाता है, मतलब उसके शर्म नाश हो जाता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उन्माद हो, पागल हो जाते हैं लोग, फिर उन्माद, और फिर स्मर दशा उन्मादो मूर्छा मृतिर इत्यतः स्मर दशा दशैव स्यु, ठीक है, और फिर व्यक्ति मूर्छा तथा मृत्यु, ये कामदेव के प्रभाव की 10 दशाएं हैं। अच्छा ये जानना, अगर हमारे ऊपर प्रभाव, हम समझ जाएं कि भाई दूसरे पहले दशा दूसरे दशा, पहले ही अपने आप को निवृत्त कर लें भैया, अटैक हो गया हो तो ठीक है, आगे क्यों जा ना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी इंगित करते हैं कि जिन भक्तों में शुद्ध भगवत प्रेम होता है उनमें सामान्यतया मृत्यु लक्षण प्रकट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के संबंध में यह अशुभ है, ठीक है, किंतु उनमें अन्य नव लक्षण प्रकट होते हैं जिनकी परिणति परम आनंदमय मूर्छा में होती है। तो परम आनंद में मूर्छा, मूर्छित हो जाता है व्यक्ति भगवान के प्रेम में। तो यही चीजें हैं, अगर आप भगवत भगवान के साथ में जोड़ें तो चक्षु राग है प्रथमम, सबसे पहले आंखों में राग होगा भगवान के प्रति, भगवान को देखने की बहुत अभिलाषा होगी। हाँ, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद 3-3 घंटे तक भगवान को देखते थे, आज भी मेरे लिए 3-3 घंटे तक, छोटे बचपन में तो देखते आ रहे, देखते हैं चक्षुराग चित्ता संग, फिर चित्त में गहन आसक्ति भगवान के प्रति, संकल्प है तो भगवान को प्राप्त करना है, निद्रा छेदन, रात में नींद भी नहीं आ रही, भगवान का चिंतन होते जा रहा है, भगवान कितने सुंदर हैं, ओ भगवान की ओ बांसुरी, ओ उनके सुंदर होठ, कृष्ण कितने सुंदर खड़े, कैसे बोलते थे, आदि चीजें जो मैंने सुना है भगवान, नेत्राच्छेदन तनुता विषय निवृत्ति, तो फिर शरीर और इससे रिलेटेड चीजें, उससे आसक्ति तृपनाश है, व्यक्ति भूल जाता है, फिर वो श्लोक आता है ना 11वें स्कंद में, व्यक्ति अपना निर्लज, मतलब आसपास के लोगों को, ही डजंट केयर अबाउट वर्ल्ड, आसक्ति में डांस कर रहा होता है भगवान का स्मरण करते हुए, उन्मादो मूर्छा, और फिर जब सहन नहीं होता है शरीर तो मूर्छित हो जाता है चिंतन, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें थी, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों कुछ प्रश्न टिप्पणी इस पर कुछ और, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दिया आपने। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं, तो ब्राह्मण उनकी वर्शिप करते हैं, अभी जो वनिक हैं वो वर्शिप कर रहे हैं, तो वो ये समझ के वर्शिप कर रहे हैं कि वसुदेव के पुत्र हैं, या फिर वो ये समझ के वर्शिप कर रहे हैं कि ये स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं? तो अगर वो पहले से ही भक्त हैं तो इतने से डिवोटीज हैं, साधना से डिवोटीज हैं, मतलब
जो ये लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं वो तो नित्य सिद्ध भक्तों के लक्षण ऐसा लगता है। मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है अक्रूर जी का। अक्रूर मथुरावासी थे ना, तो उनको तो ज्ञात था कि भगवान है, पूरा ज्ञात। ब्राह्मण कर रहे हैं तो फिर ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण श्लोकों के माध्यम से आदि अलग अलग सूक्तों के माध्यम से भगवान गुणगान कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना होगा ही, भगवान भगवत्ता का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अचानक पहली बार आए ना, फिर अचानक जाके दे रहे हैं तो फिर। और अगर मथुरा में देखा जाए तो स्वाभाविक दाने कितनी भक्ति की भक्ति बहुत भक्त होंगे, बहुत महान महान भक्त होंगे जो भगवान के समय में उनको वहाँ तो उनके हृदय में। और भक्ति इज नॉट अबाउट नॉलेज, तो स्वाभाविक रूप से मेरे जो विषय हैं प्रेम के, जिनके लिए मैंने पता नहीं कितने जन्मों से आराधना की है, तो सामने आ गए तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को पुनः, तो नित्य सिद्ध है वो तो प्रेम भगवान के प्रति, तो नेचुरली आकर्षित हुए होंगे। और भगवान में, और जो भक्त होते हैं एडवांस लेवल पे होते हैं, जैसे महाप्रभु को भक्त लोग देखते थे और उनके मन में जब आकर्षण होता था तो उनको लगता था, आप देखेंगे चैतन्य चरितार्थ में वर्णन आता है कि वो कहते हैं कि आप वही श्याम सुंदर हैं। तो भक्त नेचुरल के उनके अंदर वो भाव आ गए होंगे कि भगवान ये मेरे वही भगवान है, उनके मेरे आराध्य हैं। थैंक यू जीत गुरांग प्रभु, बहुत सुंदर तरीके से आपने इन श्लोकों को लिया। छोटा सा मेरा संदेह था कि जैसे कामदेव की जो 10 लक्षण है, तो पहला लक्षण होता है कि आंखों में आकर्षण आता है, फिर वो आसक्ति मन में आती है, फिर संकल्प, संकल्प उस व्यक्ति को प्राप्त करने का, ये अर्थ हुआ संकल्प। मतलब चाहे इस व्यक्ति को प्राप्त करना हो या फिर समथिंग रिलेटेड टू दैट पर्सन, उसकी सेवा करूं, उसके पास में रहूं, सम डिजायर्स, मोर डिजायर्स रिलेटेड टू द विषय, जैसे भगवान के प्रति आकर्षण। एग्जांपल अभी भगवान के प्रति मन में, आंखों में आकर्षण हुआ, चित्त में अनुराग हुआ, तो फिर उसको लगेगा कि भगवान के लिए कुछ करूं, ताकि मैं जो डीटी से आकर्षण है समझो, भगवान के लिए सेवा करूं, स्पर्श करूं, उनको बार बार देखूं, जो भी चांस हो तो संकल्प, अलग अलग डिजायर्स। थैंक यू। और उसके बाद फिर आखिरी में आता है मृत्यु, और फिर नीचे विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि लेकिन भगवान के प्रेम के संबंध में वही लक्षण आते हैं, मृत्यु नहीं आती है। लेकिन ऐसा मुझे स्मरण हो रहा था कि जैसे विरह, भगवान से जो विरह होता है उसकी भी 10 दशाएं हैं, और आखिरी में उसमें मृत्यु होती है, मृत्यु का भी एक वर्णन है। तो इन दो बातों को कैसे समझा जाए कि यहाँ पर हमारे आचार्य बता रहे हैं कि इन 10 लक्षणों में मृत्यु नहीं होती, लेकिन दूसरे वर्णन में उसका उल्लेख है इसमें। अगर आप मेरे दिमाग में जस्ट एक थॉट आया कि भगवान ना भगवद गीता में कहते हैं कि जो शरीर और आत्मा को धारण करने वाला प्राण है ना, वो मैं हूं। तो भगवान का स्मरण कर रहा है तो भगवान शरीर और आत्मा को होने कैसे दे, चाहे मूर्छित भी हो गया हो, इट्स ऑन द लॉर्ड। दूसरा है कि कई बार जैसे भौतिक शरीर जो दाए, ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं सारे, जिन्होंने भौतिक शरीर धारण किया, उनको लग रहा है कि नहीं अभी मैं यहाँ जीना नहीं चाहता, बहुत हो गया। तो और वो भगवान से यही चाहते हैं कि नहीं कृष्ण ही, भगवान चाहे तो, जनरली नहीं होता है कह रहे हैं,
मेरे मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में इसलिए गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का आया था, जगन्नाथ जी के बारे में विचार करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट मेरे एक दृष्टि से परे भी हैं चीज़ें। तो भगवद गीता में तो ये आया था, ये मेरे स्मरण में आ रहा है। और दूसरा है उषमा चक्र ठाकुर कह रहे हैं, तो फिर अरिवन राधा रानी यहाँ तक अनुभव कर रही थी लेकिन मृत्यु का वर्णन नहीं आता है। वहाँ बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के लिए उन्होंने कंट्रोल किया। तो और तो मेरे ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराश्रीमद् भागवतम की जय। बहुत प्रेमानंदे अजीत गुरांग प्रभु की जय।